आइए अब बात करते हैं कि इस स्कीम में चैलेंजेस क्या क्या है, क्यों इतना विरोध हो रहा है इस स्कीम को और प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इस स्कीम का कि इसमें सिर्फ 4 साल की सर्विस प्रोवाइड, मतलब 4 साल की ही रिक्रूटमेंट होगी और जो कैंडिडेट्स है अग्निवीर जो कहलाएंगे वो अपनी सर्विस सिर्फ 4 साल ही दे पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस स्कीम के। 4 साल के बाद उन क्या करेंगे इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये धोखा भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो अग्निवीर हो गए, जो रिक्रूटर्स हो गए, उनको 4 साल में ही ट्रेनिंग भी दी जाएंगी और उनको अपनी सेवा भी इन्हीं 4 सालों में देनी है। 4 साल में ये काफ़ी है कि उनको इतना एक्सपीरियंस आए कि वो LOC और LAC दोनों फ्रंट पे उतनी ही फुर्ती से और एक्सपीरियंस के साथ अपनी सेवा दे पाए और अपने देश की सुरक्षा कर पाए। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट सर्विस तो है ही, उसमें जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें पेंशन नहीं दी जाएगी। 4 साल के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि अग्निवीर के नाम से होगा और एक लमसम अमाउंट होगी 11,71,000 की, उनको 4 साल के बाद दी जाएगी। 75% जो भी रिटायर हो गए रिक्रूटर्स, क्या उनको जॉब मिलेगी 4 साल बाद? अक्सर हम देखते हैं कि जो रिटायर आर्मी पर्सनल्स जो होते हैं उनको अक्सर सिक्योरिटी गार्ड की ही जॉब दी जाती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। वो अपनी देश की सेवा करेंगे 4 साल और उनकी उम्र जो है यंग ही हो गए, काफ़ी 25 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो क्या वो 25 साल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना स्टार्ट कर दे? ये एक बहस का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि उनके पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं होगी। जॉब टाइप क्या होगा विदाउट डिग्री? इस वजह से ये डिबेट का मुद्दा बन चुका है कि उनको या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर नौकरी करनी है तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। एक डर ये भी है कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है, और इसका डर ये है कि वो अगर 4 साल के बाद रिटायर हो गए और उनको अच्छी सर्विस या नौकरी नहीं मिली तो वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के चांसेस है, क्योंकि विपक्ष ऐसे कह रहा है कि ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। इस वजह से इल्लीगल एक्टिविटीज देश में बढ़ सकती है और इनकी जो ट्रेनिंग है खास करके वो ये उसमें इम्पैक्ट ला सकती है। और इसमें जो एक और बात है, जो रेजिमेंट सिस्टम होती है अपने आर्मी में वो इससे ख़त्म हो सकती है, ये भी एक डर बना हुआ है। तो